भाइयों ने गांधी जयंती पर मौन प्रदर्शन का विरोध किया। वहीं 2 घंटे के मौन प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने पोस्टरों के माध्यम से सरकार पर हमला किया। विरोध के जोश में सपाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी भूल गए और पीड़िता का नाम तक पोस्टरों पर उजागर कर दिया। फिलहाल सपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पीड़िता का नाम सार्वजनिक होने पर गलती मानी है। आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर कानून व्यवस्था और हाथरस की बेटी के न्याय के लिए उन्नाव शहर के पन्नालाल पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन प्रदर्शन किया गया। सपाइयों ने तख्तियों पर स्लोगन लिखकर सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सपाइयों ने गांधी जी की के रास्ते पर चलने की बात कही। जिस अहिंसा के रास्ते पर आपने इस देश को बनाया था, हम सबको अहिंसा का रास्ता सिखाया था, यह सरकार अहिंसा का रास्ता छोड़ के हिंसा पर चल चुकी है। परमपिता परमेश्वर, परमपिता राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, इस सरकार को सद्बुद्धि दो। सरकार के जितने पल बचे हैं, जितने घंटे बचे हैं, कम से कम उतने घंटों में सुधर जाए। जितने दिन बचे हैं, कम से कम उतने दिनों में सुधर जाए। इस बुद्धि शुद्धि की भी हम इस सत्याग्रह के माध्यम से कामना करते हैं।